जोहार दीदी। जोहार जोहार। आइए आइए, हम तो आपका ही इंतजार कर रहे थे। आइए बैठिए। दीदी, आप उस दिन बोले थे ना, उत्पादक समूह की संरचना और पदाधिकारियों के जिम्मेदारी के बारे में कुछ बताएंगी? हाँ दीदी, हम भी जानना चाहते हैं कि इसकी संरचना क्या है और वो कौन कौन से पदाधिकारी होते हैं और उनके क्या क्या काम होते हैं। हाँ हाँ, बोले थे और आज जरूर बताऊंगी, तो ध्यान से सुनिए। उत्पादक समूह की संरचना का 3 स्तर होते हैं। पहला स्तर पदाधिकारी होते हैं, दूसरा स्तर कार्यकारी समितियां होती है और तीसरा स्तर पर आम सभा होते हैं। उत्पादक समूह की मार्गदर्शन की जिम्मेदारी इसकी पदाधिकारियों की होती है। अच्छा दीदी, उत्पादक समूह के पदाधिकारी कौन कौन होते हैं और ये कहीं बाहर से आते हैं क्या? अरे नहीं नहीं, ये पदाधिकारी तो गाँव की ही चयनित दीदियाँ होती है और उत्पादक समूह में कुल 3 पदाधिकारियाँ होती है, अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष। यहाँ अध्यक्ष का जिम्मेदारी सबसे बड़ी होती है और सचिव और कोषाध्यक्ष इन्हीं जिम्मेदारियों को पूरा करने में अध्यक्ष का सहयोग करती है। और दीदी, ये कार्यकारी समिति और आम सभा में कौन कौन होते हैं और इनके क्या क्या काम है? कार्यकारिणी समिति में 3 उप समितियाँ होती है। पहला योजना एवं निगरानी समिति, दूसरा खरीद एवं विपणन समिति और तीसरा आजीविका समिति। इन सभी समितियों में 3 से 4 सदस्य होते हैं और इनके कार्य को सुचारू रूप से चलाने में मदद करते हैं। अच्छा दीदी, आज आप लोग अध्यक्ष की जिम्मेदारियों को विस्तार से जानिए, फिर अगले बैठक में अन्य पदाधिकारियों के बारे में बताएंगे। पहले अध्यक्ष दीदी से ही इनके जिम्मेदारियों के बारे में जान लेते हैं। हाँ हाँ, आज मैं अध्यक्ष की जिम्मेदारियों के बारे में विस्तार से बताती हूँ। उत्पादक समूह का बैठक का आयोजन और अध्यक्षता मेरी सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेवारी है। दूसरी जिम्मेवारी है अन्य सदस्यों के कार्यों से जुड़े निर्णय लेने में उसका सहायता करना। अच्छा दीदी, अब मुझे धीरे धीरे समझ में आ रहा है। तीसरी जिम्मेदारी है सभी समितियों को उत्पादक समूह से जुड़े उद्देश्य को पाने में उनकी सहायता और मार्गदर्शन करना। अच्छा दीदी, अध्यक्ष का पद तो बहुत जिम्मेदारी वाला होता है। हाँ ये तो है। और चौथी जिम्मेदारी है समूह का सभी कार्यों का निरीक्षण करना। इसके अंतर्गत अध्यक्ष उत्पादक समूह के विभिन्न कार्यों की समीक्षा एवं जांच करती है ताकि जरूरत पड़ने पर इसकी कार्यवाही और मार्गदर्शन कर सके। अच्छा दीदी, इतनी सारी बातें हैं। अध्यक्ष पद की 5वीं जिम्मेदारी है विभिन्न मंचों पर उत्पादक समूह का प्रतिनिधित्व करना। और अंतिम जिम्मेदारी है उत्पादक समूह के उद्देश्यों को वापसी सहयोग से सुनिश्चित करना। बहुत अच्छा दीदी, आज हमें बहुत सारी जानकारी मिली। अगले बैठक में आप अन्य पदाधिकारियों के बारे में जरूर बताइएगा। हाँ दीदी, हम इसकी पूरी जानकारी चाहते हैं ताकि निश्चित होकर उत्पादक समूह से जुड़ सके और अन्य लोगों को जोड़ने के लिए प्रेरित कर सके।